सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मिशन आई एस हम लोग मिशन आई एस के अंदर एन सी आर टी के जो टॉपिक्स uh, है उसमें जो कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए हम लोग uh, ये क्लासेस देख रहे हैं सो so, इसके पहले हमने <coughs> हमारे इन्वामेंट के इसमें जो टॉपिक uh, है उसके अंदर हमने इको सिस्टम और उसका कैसा इको सिस्टम के टाइप्स है वो हमने देखा और पिछले लास्ट लेक्चर में हमने वॉट इज़ एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी इसका मीनिंग भी हमने समझा अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है कि जो हमारी इको है उसे यदि कायम रहना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना पड़ेगा तो हम लोग अभी धीरे धीरे कंजर्वेशंस के जो मीन्स है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या इंडिया में हमारे कैसी पोजीशन है वो सारा हम लोग देखेंगे सो वी विल नाउ टॉक अबाउट द थ्रेड्स टू द बायोडाइवर्सिटी तो हम लोग थ्रेड्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम इसको बोलते हैं कौन से हमें हमें यहाँ पर मराठी में हम लोग उसको धोखा कौन से डर हमें है कि जिसके वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो नष्ट हो रही है तो ये हमें थ्रेड्स देखने क्या क्या अड़चने आ रही है इकोसिस्टम में या नेचर में या इन्वायरमेंट में या हमारे अर्थ पे जिसके वजह से हमें हमारे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है धोखा यानी खतरा तो यहाँ दो अलग अलग हमें कैटेगरी दिखाई देगी नेचुरल कॉजेस और एंथ्रोपोलोजनिक काजेस नेचुरल काजेस में हम लोग यदि बात करते हैं तो नैरो जोग्राफिकल एरिया कुछ ऐसी कई स्पेशीज़ है वो जो स्पेशज के लिए पर्टिकुलर एटमोसफियर लगता है या उनको जैसा खाड़ी ही चाहिए या उनको खारा पानी ही चाहिए या उनको विशिष्ट प्रकार का ग्रास चाहिए या उनको सिर्फ कोरल वाले जो एनिमल्स है वो वहीं पे रह सकते हैं तो ऐसे भी कई स्पेशीज़ है कि जो स्पेशज को, को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया उनको टेम्परेचर भी जो है अब जो हिमालयन रेंज में वाले जो एनिमल्स है वो दूसरी जगह पे हार्ड टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर सकते सो so, ये भी एक प्रकार से खतरा है कि जो उनका जियोग्राफिकल एरिया है वो दिन ब दिन रिस्ट्रिक्ट होते जा रहा है छोटा छोटा भी होते जा रहा है कहीं जगह पे। लो पॉपुलेशन ये भी एक ये कारण है कि जो 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 स्पेसीज़ है उसकी संख्या कम होने की वजह से भी वहाँ पे उनकी जो इकोनॉक इकोलॉजी के साथ में जो इंट्रैक्शन है वो इतनी लेस हो जाती है और उसके अंदर भी फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि वही वो कम पॉपुलेशन यदि दूसरे कोई फूड चेन के अंदर वो स्पेसीज है उसको किसी ने नष्ट कर दिया तो कम पॉपुलेशन जल्दी खत्म हो सकती है तो यह भी एक ये है कि जिन प्राणियों की जिन वनस्पतियों की संख्या कम है वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा एक हम के हमें महसूस होता है देन लो ब्रीडिंग रेट ये भी एक है कि कुछ ऐसे मैमल्स है या कुछ एनिमल्स है कि जिनकी जो नई जनरेशन की पीढ़ी है वो जल्दी उनका फर्टाइल रेट जो है वो कम होता है उनको जो सिचुएशन चाहिए जो कंडीशन चाहिए वैसी मिलने के बाद में ही कुछ फ्लावर्स है उनका स्पेसिफिक पॉलिनेशन इतना लेट होता है कि साल में एक ही बार या कई साल के बाद में एक बार वो फूल फुल ग्रो होता है तो वहाँ तो है वो एंटिटी है लेकिन उसका पॉलिनेशन या जो ग्रोथ या जो फर्टाइल फर्टाइल रेट है वो भी है तो ये भी हमारे लिए एक है कि जिस जिन स्पेसीज़ का ब्रीडिंग रेट कम है नई नई स्पेशज बनने के लिए या उसी प्रकार की वेराइटी आगे जाने के लिए भी वो भी हमारे लिए एक नेचुरल कॉजेस है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो खतरा है और ऑफकोर्स नेचुरल डिज़ास्टर ये तो हमें मालूम है कि किसी प्रकार की नैसर्गिक आपत्ति आती है तो उस एरिया में यदि कोई बाढ़ आ जाती है तो सारे स्पेसीज पूरे ख़त्म हो जाएंगे या फिर ड्राफ आ जाता है पानी नहीं मिलेगा जंगल भी सूख जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा तो फूड भी है तो इसी प्रकार से कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स है कोई ज्वालामुखी आप यहाँ पर कहीं यहाँ पर तो ऐसे कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं कि जिसके वजह से और ये सिर्फ हम लोग अभी किसी एरिया की बात नहीं कर रहे सो दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे अर्थ के ग्लोब पे भी इसी प्रकार से हम लोग यदि देखेंगे तो डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वहाँ पर भी तूफान आते हैं तो रेतीले तूफानों के वजह से भी जो एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर भी जो भी कुछ आ, एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें जो भी कुछ काटेरी वाले जो बूशे है वो मिल रहे हैं कुछ रेप्टाइल्स मिल रहे हैं तो वो भी वो तूफान के वजह से तो उनका पूरा जो हैबिटाट है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हैबिटाट डिस्टर्ब हो गया सो दैट इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हमारे खतरा हो चुका है तो ये कुछ काजेस हमारे हो गए कि जो नेचुरल कॉजेज है फिर है एंथ्रोपोलोजनिक कॉजेस यहाँ पे सबसे पहला है लॉस ऑफ हैबिटाट तो लॉस ऑफ हैबिटाट तो ये हमारा कभी भी हो सकता है जैसा कि हमने अभी देखा इसमें से भी कुछ कारण है और पर्टिकुलरली ये लॉस ऑफ हैबिटाट के लिए हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन भी जवाबदार है हम लोग अभी बोल रहे हैं कि जैसा कुछ प्राणी नहीं मिल रहे हमें तो हमने क्या किया है कि उनके जो जंगल जो उनका है उसके अंदर हमने एंट्री की और हमने वहाँ पे अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ चाहे वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या फिर हम लोग किसी पर्पस के लिए हंटिंग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर हम लोग गए और कई ऐसे सारे कोस्टल रीजन्स है कि वहाँ पर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जो वाटर पार्कस और ऐसी एक्टिविटीज़ के वजह से भी तो वहाँ पे भी जो किनारा है उसके ऊपर जो भी वहाँ पर इकोसिस्टम बनी होगी उसको हमने डिस्टर्ब किया है तो वहाँ पे वो पूरा हो सकता है हमें पता नहीं कि वहाँ पे कोई स्पेसीज होंगी भी लेकिन हमने एंटरटेनमेंट परपज़ के लिए उसको लैंड को रिजोनट किया वहाँ पे कोस्टल एरिया को हमने पूरा रीडिफाइन किया तो वहाँ पर की भी स्पेसीज खत्म हो सकती है तो हैबिटाट खत्म होने की वजह से भी काफ़ी बार होता है कुछ हैबिटाट ऐसे है कि जो नेचुरली भी ख़त्म होते यानी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर और रेन फॉरेस्ट वाले कुछ एरिया का है कि वहाँ पर रेन गिरना बंद हो गया तो वो रेन फॉरेस्ट में जो कुछ समय के बाद में ये काफ़ी सारे सालों में होता है बीस पच्चीस सालों के ओवर में हमको ये फर्क पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है उसके वजह से किसी स्पेसीज की जो पेड़ है वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बढ़ रहे हैं और ऐसे ऊंचाई के पेड़ों के ऊपर रहने वाले जो स्पेसीज़ है फिर उनको वो टाइप वो टाइप का जो एटमॉस्फेयर चाहिए जमीन से ऊपर चाहिए उनको और उनका टेम्परेचर का जो, जो, जो जोन है उस जोन के लिए वो वहाँ पर सिचुएट हो रहे हैं ऊँचे वाले पर्व पे या ऊँचे वाले पेड़ों पर तो वो उनके पेड़ों की हाइट भी अधिक कम हो रही है तो वो भी हैबिटेट खत्म हो रहा है वैसा सो दीज आर द अदर डिफरेंट रीजंस देन पोचिंग ये भी एक कारण है कि यहाँ पे कई सारे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे अभी कि कई सारे ऐसे हमारे सिचुएशन बनाते हैं हम लोग कि जिसके कारण से हमारा हैबिटेट जो है या बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑफकोर्स ये भी एक है कि कई जगह पर हम लोग आदिवासी लोग या कुछ ऐसे जंगल में रहने वाले लोग जो है उनको किसी ने शेर ने दिया हमला कर दिया या उनके जो एनिमल्स है कैटल्स है उनको यदि किसी शेर ने खा लिया तो फिर उस शेर को मारने के लिए वो कुछ तो भी व्यवस्था कर देते तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है कहीं पे इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जॉटिक वेराइटीज ये भी है कि कुछ बाहर से स्पेसीज हमने लाए और विदेशी पेड़ पौधों को या एनिमल को किसी एकादे एरिया में आपने रिस्टोर कर दिया तो हो सकता है वो भी स्पेसी वहाँ पे उसके लिए दूसरों के लिए खतरा बन सकता है सो so, ये भी कारण है एक पोल्यूशन ऑफ कोर्स ये तो हमें हमको मालूम है अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और मेजर है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज तो ये ऑल ओवर द अर्थ हो रहा है और ये सारे जो कारण है ये जो सारे कारण है ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को एक प्रकार से खतरा है तो हमको ये इनका रीजंस भी हमको समझने पड़ेंगे कि ये यदि खतरे कैसे है किस प्रकार से वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर कर रहा है ये यदि समझ में आ गया तो फिर हम लोग कंजर्वेशन के जो मीन्स है उसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं जैसा कि हमको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर हम लोग एक ग्लोबल समिट करके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पोल्यूशन कंट्रोल अभी आपने देखा कि ये जो हमारे व्हीकल्स है उसके अंदर बी एस सिक्स वाला स्टैंडर्ड आ गया अभी हमारे इंजन का क्योंकि जो हमारा एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट में से जो निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है पर्टिकुलरली वो उसका स्टैंडर्ड अभी चेंज हो गया तो आपको ऐसा भी पुराना इंजन वाली गाड़ी चलती नहीं क्योंकि वो इंजन को पेट्रोल को प्रोसेस करके डीजल को पूरा फ्यूल को ख़त्म करके उसको जो फ्यूल है जो धुआं निकल रहा है उसका वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं चाहिए तो उसमें परसेंटेज रिस्ट्रिक्ट हो गया तो आपको इंजन की डिज़ाइन बदलनी पड़ी अब तो कायदा बन गया कि आपको सारे जो व्हीकल्स है स्टेप बाय स्टेप डिमिनिश करके नए बी एस सिक्स वाले स्टैंडर्ड वाले ही व्हीकल आपको रन करने पड़ेंगे क्योंकि इसेंशियल नीड है तो उस पर भी कंट्रोल आ गया कि आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पर हमको ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं यानी बी एस सिक्स का इंजन बोले तो सारे वर्ल्ड में अभी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना पूरे जगह पे जा रहा है तो सब जगह पे जितना भी ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा थोड़ा सा और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग कुछ तो भी उसको धीमा कर पाएंगे तो ये सारे ऐसे चीज़ें हैं हम लोग जो कंजर्वेशन के मीन्स के अंदर हम लोग देखेंगे अब ये जो पहला रीज़न है हमारा लॉस ऑफ द हैबिटाट कंटिन्यूस इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एस्केलेटिंग डिमांड फॉर आवर नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारा एक सबसे बड़ा कारण है हम लोग सारे रिसोर्सेस जंगल से ही लेते हैं या फिर हम लोग हमारे नेचर से ही लेते हैं जो हमारा हैबिटेट है वो अभी उसके लिए भी हमको लकड़ी लग रही है हमको अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ लग रहे हैं फूड लग रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारा हमारा आ रहा है जो हैबिटेट है किसी दूसरे का जो एनिमल का हैबिटेट है पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट है हमारे ये सारे यहाँ पर हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई बढ़ चुकी है और वो डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हमारे डिपेंडेंसी बढ़ गई नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और फिर हम लोग किसी भी तरीके से किसी चीज़ का सोच ना सोचते हुए हम लोग सिर्फ देखते हैं कि मुझे मिलना चाहिए बस मुझे चाहिए और हम लोग फिर नेचर को वहाँ से कुछ एक्सकवेशन करो जंगल से लकड़ी निकालो या फिर जो भी चीज़ है वो सारे हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं ये एक कारण है हमारा लॉस ऑफ हैबिटेट का देन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्टेड लैंड टू द सॉरी कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्टेड लैंड टू द एग्रीकल्चर तो कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है अभी तो ये ज़्यादा हो नहीं रहा है पहले लेकिन काफ़ी ज़माने में पहले कहीं जब कई सारे देशों में भी हो चुका है यहाँ पर कि ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्योंकि हमको फूड चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमको खेती के लिए ज़मीन भी चाहिए तो वो नहीं होगा हमारे इंडिया में तो सिचुएशन उल्टी है लेकिन कई देशों में एग्रीकल्चर का उनका खुद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को कंट्रोल करके वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनाई तो ये भी एक कारण हो सकता है लॉस ऑफ हैबिटेट टू ग्रेजिंग लैंड्स इंडस्ट्रीज रोड्स एंड द सिटीज़ ये तो हम जगह हर जगह हम महसूस कर रहे हैं हम लोग जैसा कि अभी हमारा ये समृद्धि महामार्ग जा रहा है तो कई जगह पे उन्होंने सिटीज़ को बाईपास किया और सिटी को बाईपास किया मतलब वो कहीं तो भी गाँव के बाहर से गए सो रोड वहाँ से जा रहा है तो लैंड का एक्विजिशन हो गया तो जो लैंड का एक्विजिशन हो गया वहाँ पर जो स्पेसिस थी वहाँ पर या जो भी एग्रीकल्चर लैंड था या जिस प्रकार का अभी ऐसा तो नहीं कि हर जगह पे आपको खेती ही मिलेगी कि भाई वही लैंड अपने सिर पे एक्वायर कर ले बहुत सी जगह पे कुछ जंगल भी है तो वो वो उतना पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया वहाँ से हमने लैंड एक्विजिशन कर लिया तो वहाँ पर जो भी घास साग, वो ग्रेजिंग वो भी कम हो गया एक प्रकार से इंडस्ट्रीज़ अब हम लोग वो समृद्धि महामार्ग का भी बात कर रहे हैं कि बीच बीच में हम लोग हब बनाने वाले तो वो हब ऐसा होगा कि भाई यदि वहाँ पर आपने स्टॉपेज लिया तो आपको एक छोटी सी सिटी ही वहाँ पर होगी तो वहाँ पर भी हम लोग अभी उसका लैंड एक्विजिशन करेंगे और फिर वहाँ पे चलाने के लिए आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्री भी आ जाएंगी फिर जो हमको खाना बनाने के लिए या फिर कुछ व्हीकल के लिए रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ऐसे कई सारे आ जाएंगे तो फिर वो इंडस्ट्री या फिर जो रोड और सिटीज जो है ये भी एक्सपांड हो रही है हर हर बार हमारा अभी रोड नेटवर्क तो कई ऐसे हम, इंडिया में इलाके हैं कि जहाँ पर नेशनल पार्क या फिर फॉरेस्ट में से रोड बनाए गए अभी भी हमारा ये जो अमरावती में धारनी का जो इलाका है तो वहाँ पर भी ये जो बिहाली नाका है परतवाड़ा के आगे वहाँ पे रात को रोक दिया जाता है व्हीकल को छः बजे के बाद तो वहाँ से तो खंडवा तक का जो खंडवा नहीं सॉरी हरी साल के आगे के तक बीच में पूरा कोर जंगल है मेड़घाट का गुगामल फॉरेस्ट तो वो, वो वो उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रात को बंदी कर दी क्योंकि फिर एनिमल का आने जाने का रास्ता है वहाँ पर लेकिन आपको तो जोड़ना था रास्ता तो फिर आपने तो वहाँ पर अलाउड तो कर ही दिया रास्ता तो अच्छा है वहाँ से तो ट्रक तो जाएंगे लेकिन फिर वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आने लग गए तो ये ये भी क्या हो रहा है एक प्रकार से कि हमेशा वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल होने की वजह से एनिमल उसको डिटेक्ट करते बराबर उनको पता चलता कि भाई अरे ये सारा और पोल्यूशन जो है उसके वजह से होने वाला उसके वजह से भी उनको एक फीलिंग अलग आती नॉइस पोल्यूशन भी होता उनका हॉर्न बजाने की वजह से भी उनको एक अलग प्रकार से फीलिंग आता और वो डर के फिर भागते तो ऐसे एरिया में उनके हैबिटेट में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो ये भी एक लॉस ऑफ द हैबिटेट का कारण है कि ये सारा जो हो रहा है उसके वजह से बायोडावर्सिटी हमारी खत्म हो रही है फॉर्मेशन ऑफ आइसोलेटेड स्मॉल स्कैटर्ड पॉपुलेशन ये ये एक और है लॉस का अभी यहाँ पर एक उदाहरण ऐसा है कि जैसा कि हमारा ये पोरा का जंगल है ये पोरा का जंगल भी बीच में बढ़ गया अभी अभी हमारा ये वरुड़ रास्ता एक बड़ा अच्छा रोड हो गया वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गई इधर नागपुर रोड अलग बढ़ गया वैसा देखा जाए तो ये तो पूरा चांदू रेलवे से लेके इधर मालखेड़ से लेके तो ऐसा पूरा पट्टा वलगांव तक का ये पूरा पोरा का जंगल एक ही था लेकिन अब सिटी को कनेक्टेड वाले रोड इतने बढ़ गए कि अब वो आइसोलेटेड हो गए तो अब वहां पर आप देखेंगे कि क्या हो जा रहा है कि अभी वो रोड के वजह से एनिमल इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाते तो वो एनिमल वहीं रह गए है। उनका हैबिटेट दूसरी तरफ था लेकिन वो कुछ फूड के सर्च में वहां तक आए थे अब वो वापस भी नहीं जा पा रहे तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सो हैबिटेट लॉस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोलेटेड स्मॉल स्कैटर्ड पॉपुलेशन यानी फिर जो हम लोग पहले जो संख्या थी उनकी वो संख्या पर्टिकुलर एरिया में कम हो गई रिस्ट्रिक्ट हो गई फिर वहीं पे उतने रह जाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनका हैबिटेट भी वैसा अपने कंट्रोल करना चाहिए इसीलिए अभी हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज चल रहे हैं अभी हालांकि जैसा हमारा ये जो चिगलदरा का टाइगर रिजर्व था वैसा काफ़ी छोटा है लेकिन उसको भी फिर से नेशनल पार्क भी बना दिया गया वो इसीलिए बना दिया गया कि वो रिस्ट्रिक्शंस आपको चाहिए आइसोलेशन एरिया छोटे छोटे भी होंगे लेकिन उसको फिर आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए तौर पर देन द स्मॉल पॉपुलेशंस आर इंक्रीजिंगली वनरेबल इन द इन ब्रीडिंग विच कॉजेज लॉस ऑफ द जनरेशन पुल जो हमने देखा कि कम संख्या है तो उनके आगे की जो पीढ़ी बनने वाला है क्योंकि उनका हैबिटेट भी डिस्टर्ब हो चुका है हैबिटेट भी रिस्ट्रिक्टेड है तो उनका जो ग्रोथ है वो उनका कम हो जाता है एंड हाई इंफ्रन मोर्टिलिटी ये भी है क्योंकि जो यदि नया इन्फ्रंट भी आ रहा है किसी एनिमल का तो उसको भी खाने के लिए जो सिचुएशन है हैबिटेट की जैसी चाहिए जैसा पानी चाहिए वो भी तो नहीं होगा या वहाँ पे यदि रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको भी बचने के चांसेस कम होंगे क्योंकि वाइल्ड एनिमल के लिए तो ये सारी चीज़ें दूसरे पर डिपेंडेंट है, है। यदि शेर आ गया और उसने खा गया छोटे बच्चों को तो वो तो पीढ़ी वहाँ के आगे बढ़ने वाले जनरेशन खत्म हो गया तो ऐसी भी कई जगह हो चुकी है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के वजह से इन्फ्रंट मॉर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई एंड ससेप्टेबल टू द एनवायरमेंटल चेंजेस विच ऑल मे lead टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्पेसीज ये जो है इसके वजह से यानी आप वहाँ पे कम संख्या का पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर नए हैबिटेट में वहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रहा है और यदि वहाँ पर वो सस्टेन नहीं हुआ तो वो वहाँ से फिर ख़त्म हो जाता है तो इसी प्रकार से कई सारे ऐसे कारण हैं कि जो लॉस ऑफ हैबिटेट के वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा बन रहा है अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसी की ये वुड की कटिंग एक्टिविटीज़ है यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर लैंड के लिए जंगल में से कुछ एरिया हमने सिलेक्टेड लिया है सो so, ये सारी चीज़ें है देन है पोचिंग सो हंटिंग फॉर वेरियस बॉडी पार्ट्स ये सबसे खतरनाक एक्टिविटी है और ये चल चल भी रही है हमेशा भी चल रही है सो इलीगल ट्रेड ऑफ द स्किन टस्क हेयर एंड हॉर्न्स तो ये ये पोचिंग ये सबसे बड़ा एक मैंने एक गंदा बिजनेस है एक प्रकार से या एक मानसिकता है लोगों की कि लोग इस प्रकार से जो अलग अलग मान्यताएं है और यदि उनको कुछ दूसरा उसका कुछ रोज़गार नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ तो भी पता चल रहा है कि मैं ऐसा कर सकता तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे हमारे आज चिखलदरा जो मेढगाट धारणी तालुका में है वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग शेर की नाखून को बेचते और वो शेर के नाखून के लिए मान्यता है कि भाई शेर का नाखून यदि हम लोग ऐसा तावीज बना के उसको पहन लेंगे तो फिर हमको कोई ये जो क्या बोलते हैं हम लोग भूत बाधा जो है ये सारा कुछ हमको होता नहीं और हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं और ऐसा तो ये ऐसी गलत गलत मान्यता कई सारी है तो रिच के जो बियर जो है बियर के नाखून शेयर के नाखून और इसी प्रकार से आ, अभी तो क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग ये सारा डील करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती है तो मरा यदि भी शेर है तो उसकी हड्डियाँ भी काम में आती वो हड्डियों को भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है इसी प्रकार से जो हरिन वाले जितने भी डियर और ये जो सारे इतने जो अलग अलग स्पेशज है उनके जो सिंह है तो वो भी आजकल लोग रखते हैं बारसिंगा जो है बारसिंगा बारसिंगा बोले तो जो हिरण रहता है उसको ऐसे फाटे फाटे वाले जो सिंह रहते हैं उसको तो बारह फाटे रहते हैं उसको इसलिए उसको बारसिंगा बोलते तो जो बारसिंगा जो है उसका मेडिकल यूज भी है बार सिंह जो है बारसिंग का जो छोटा सा टुकड़ा भी यदि आप वो पत्थर के ऊपर उसको घिसेंगे तो उसका जो पानी के साथ में जो बनता है उसको मध के साथ में आप उसको खा सकते हैं तो कई सारे डिसीजेस है उसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारे काम में आता है तो ऐसे क, ऐसे है यूज है पता है ऑफकोर्स वो हमको पता है लेकिन उस प्रकार से यदि आपको कोई ऐसा सर दर्द वगैरह हो जाए तो उसके लिए वो जो बारसिंग है उसको उसका लेप लगाते हैं पूरा सर के ऊपर तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए फिर लोगों को लगता है कि मेरे पास में होना चाहिए या फिर दवाई के लिए बेचा जाना चाहिए फिर आयुर्वेदिक कंपनीज़ वगैरह जो है इंडस्ट्रीज़ जो है तो ये सारी चीज़ें फिर जैसा स्किन का तो हमको पता ही है कि सभी तरफ स्किन के लिए तो डिमांड होती है और उसी प्रकार से हेयर के लिए भी होती है कि अलग अलग प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल है उनके इससे अभी तो ठीक है टेक्नोलॉजी आ गई तो हम लोग हमारे जो हेयर से मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं लेकिन पहले तो ब्रश वगैरह बनाने के लिए कैमल और ये जो डियर है इनके सारे इनके जो बाल है वो इस्तेमाल किए जाते थे ब्रश बनाने के लिए भी तो अभी भी है यानी अभी भी कुछ एरिया है हमारे जैसा कि यहाँ पर तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है हॉर्न के लिए भी है उसी प्रकार से जैसा हिरण के मैंने बोला वैसे ही जो गेंडा होता है उसका भी जो सींग होता है हाथी होता है हाथी के जो दांत होता है तो ये सारों के लिए अपने को ये सारी चीज़ें इलीगल ट्रेड के तौर पे की जाती है और यही पोचिंग की एक्टिविटी जो है ये सबसे बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे मेनी एनिमल्स फॉल प्रे टू वेरियस ट्रैप्स ये हम लोग जाली लगा जाले लगाते पकड़ने के लिए कि भाई अटकना चाहिए इसके अंदर एनिमल तो पिंजरा टाइप का ऐसा कुछ अरेंजमेंट हम लोग करते अभी तो कई सारे ऐसे ट्रैप्स आ गए कि अलग अलग ट्रैप्स का इस्तेमाल करके हम लोग वाइल्ड एनिमल को पकड़ सकते हैं फिर छोटे से ले बड़े तक का ये सारी चीज़ें जंगल में चलती है इंटरनेशनल मार्केट वेरी एक्टिव ये भी है इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड है तो फिर बड़े सिटी में बड़े खरीदार है उसके और उनके छोटे एजेंट फिर छोटे जगह पर है और उससे छोटे एजेंट और फिर नीचे जगह पर भी है तो ये सारी एक्टिविटी चल रही है पर्टिकुलरली तिबेट और चाइना में ये सारा काफ़ी सारा चलता है हिमालयन का काफ़ी सारा एक एरिया तिबेट वाला जो एरिया है वो काफ़ी सारा जंगल वाला एरिया है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें और वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है लोकल कम्युनिटी नहीं है ऐसे कोई गांव शहर ऐसे नहीं है तो अनडिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर तो वहाँ पर ऐसा सारा हुआ भी तो जल्दी से पता नहीं चलता जैसा फॉरेस्ट गार्ड है और फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड एरिया है तो वहाँ पर वहाँ पे एक आधे ऑफिसर की ड्यूटी होती है फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी होती है तो ड्यूट वहाँ पे उसको कोई आते जाने वाला नया आदमी दिखा उस एरिया में घूमते दिखा तो उनको पता रहता कि भाई क्या क्यों आया था क्या नहीं आया था उसको उनको पकड़ा जाता है तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से फिर ये जो अनडिस्टर्ब एरिया है तिबेट और चाइना में ये सारा और चाइना में तो कुछ तौर पर गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ किया है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए कि वहाँ पर ये सारा जो है कुछ परसेंटेज तक अलाउड भी है तो उसके सारे के वजह से भी हमारे बायोडावर्सिटी को खतरा है टाइगर की स्किन जो है एलिफेंट का जो दांत है हमारा और और इसकी जो कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगी होती है आप यदि टूरिस्ट प्लेस पर पे जाएंगे तो आपको हाथी दाँत के से अलग अलग ऑर्नामेंटल या आइटम्स मिलेंगे तो या फिर आप, आपके जो अलग अलग स्किन्स है एनिमल्स की उसके लिए आपको वैसे बैग और पर्स वगैरह या बेल्ट वगैरह ऐसे मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही पोचिंग की एक्टिविटी से आ रही है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती कहीं कई जगह पे मैंने देखा है अभी हमारे आदिवासी गाँव में भी कुछ जगह पे जैसा कि भाई शेर अपने हमेशा अपने जानवरों को मार रहा है तो वो जो उनका पानी पीने का जो कुंड है वहाँ पे जाके उसके अंदर वो पॉइजन डाल देते तो वो शेर पानी पी के वहीं पे मर जाता क्योंकि फिर बाद में वो शेर ख़त्म हो जाता है वो उनके लिए उनका गाँव का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लेकिन उनको थोड़ी तो मालूम है कि बायोडावर्सिटी को खतरा है करके वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनको तो वहाँ पे अपना खतरा दिख रहा है जरिए कि मेरे मैंने शेर को मार दिया हमारे गांव को अभी सेफ्टी हो गई करके हमारे एनिमल बच जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी है और फिर उसी उ, उन लोगों के पास में ऐसे कुछ आइटम मिल गए तो उनको फिर ये बड़े व्यापारी या एजेंट उनको फिर लुभाने की चीज़ें बताते हैं कि आप ऐसा करो फिर मुझे हर साल ऐसा बताया करो दिया करो ये करो मैं आपको इतने पैसे दूंगा और वो सारे गरीब जो लोग हैं फिर वो ये ट्रैप में आ जाते हैं फिर और उनके ज़रिए फिर इलीगल काम करवाया जाता है उनको क्योंकि लॉ रूल और अवेयरनेस नहीं है उनके लिए दूसरा कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे 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 होती है तो ये इंडिया में हमको कई जगह पे ऐसा मिलेगा कॉस्ट कॉस्ट इज इज वेरी लेस ये जो है ये कॉस्ट कहाँ पर है ये लेस जहां पे सबसे पहले वो खरीदा जाता है ना वहां पे उसको कुछ भी कीमत नहीं मिलती यानी आप अच्छे मार्केट में जाके खरीदेंगे वहां पे तो आपको उसको नहीं मालूम ना कि भाई ये दांत इतना बड़ा दांत कितने रुपए का करके उसको तो क्या है हजार पाँच हजार रुपये दे दिए भाई ठीक है वही बोलता कि नहीं नहीं मेरे को पाँच हजार वो वो तो पा हजार ले वो उतने में उससे खरीदा जाता है कम यानी एक्चुअली जो सोर्स से जहां से आ रहा है वहां पे तो उसको बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं उससे उसका कुछ बहुत बड़ा एक्टिविटी हो रही है, नहीं, हो, नहीं हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में भले ही फिर वो अच्छे रेट से या ब्लैक में ब्लैक में या फिर सारा उसका प्रोसेसिंग करके भेजा जाता है तो ये सारे कई एग्जाम्पल्स से ये हमने देखा कि कई सारे ऐसे हाथी दात हमने देखे कई सारे ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारी जो एजेंसीज है फॉरेस्ट की एजेंसीज है ये सारे कई लोग अभियान भी चलाते तो इसकी इस प्रकार से ट्रैप बनाए जाते हैं फिर एजेंट भी भेजे जाते हैं फॉरेस्ट में या ऐसे गाँव में अलग अलग जगह में जहाँ पे बोला जाता है कि भाई हम लोग टूरिस्ट के तौर पे जाएंगे फिर उसको पूछेंगे अरे क्यूर भाई शेर वो शेर का दाँत दाँत मिलता क्या उसका नाखून मिलता क्या उसके बाल है क्या आपके पास या खाल देता क्या मेरे को मैं इतने पैसे दूंगा ऐसा कुछ काम के लिए और फिर वो बोलते नहीं नहीं यह नहीं है फिर अपन उसको बोलते कि नहीं तो और किसी को पूछ के रख ऐसा करके गाँव में पता किया जाता है क्योंकि मैं कहीं जगह पर गया हुँ भी हूँ ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ में कि वो किस प्रकार से वहाँ से बात करते और वहाँ से पता करवाते हैं कि कौन आदमी है ऐसा कुछ गाँव में या ऐसे कुछ एक्टिविटी इस गाँव में चल रही है क्या और फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे आगे के लोगों को पकड़ा जाता है और फिर उनको ये सारे गैंग को पकड़ा जाता है तो ये सारा स्टॉक जो है फिर इस प्रकार से ऐसा अलग अलग प्रकार का स्टॉक हमको यहाँ पे कई बार ऐसा मिलता है हमारे इधर तो ये हाथी के लिए तो देखने को नहीं मिलता आ, आ, उतना कम है क्योंकि वैसे भी अभी हाथी भी हमारे भारत में कम हो गए काफ़ी कम हो चुके हैं लेकिन ये जो हाथी दांत का जो है ये तो दक्षिण अफ्रीका में और ऐसे कई अलग अलग देशों में कई सारे पैमाने पर हाथी दांत को इस्तेमाल किया जाता है अब इसी प्रकार से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये भी कई बार होता है जैसा कि कोई अब हमने तो शेर के बारे में तो कई बार सुना है कि शेर हमने अपने महाराष्ट्र में शेर अंदर ही जाता है गाँव के अंदर तो ऐसे जगह पे भी काफ़ी बार क्या हो जाता है कि फिर वो शेर खुकार हो जाता है या किसी उसको आदमी को मारता है तो फिर फॉरेस्ट वाले उसके पीछे गन लेके लग जाते हैं और उसको फिर घायल कर देते मार तो नहीं सकते एकदम से उसको लेकिन फिर भी उसको पकड़ के फिर जंगल में छोड़ने की जवाबदारी उनकी आ जाती और पहले में ऐसा था कि भाई मैंने मैं देख रहा हूँ कि बीस पच्चीस साल पहले तो ऐसा कोई कायदा नहीं था तो शेर को मार सकते थे डायरेक्ट गोली मार देते थे फॉरेस्ट वाले उसको क्योंकि वो आदमी वो जो है शेर जो है उसको एक बार आदमी का खून लग गया कि फिर उसको बार बार वही खून के हिसाब से आदत लग जाती थी तो ऐसे कई सारे फिर वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आदमखोर वो आदमखोर बन जाता है शेर फिर वो उसको उसी प्रकार की एक्टिविटी वो आसानी से कर पाता है फिर तो इसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी कहीं बगै कहीं जगह पर हम लोग कुछ खत्म कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को तो ये सारे कई ऐसे आ, कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम लोग इस प्रकार के एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पे डर के वजह से पर्टिकुलरली हो रहा है कई जगह पे आदिवासी गांव में जो मैंने बोला कि पॉइजन डाल देते दे पानी के अंदर तो डर के वजह से कि उनको उनका कुछ बाकी कुछ व्यापार का हिसाब नहीं है लेकिन उनको उनके एनिमल से उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या उनके जो जानवर है उनको ये सारी चीज़ें उनके साथ में नहीं होनी चाहिए इसलिए उनको वो मारने की कोशिश करते तो ये सारा एक रीज़न है दूसरा रीज़न है हमारा यहाँ पर पोल्यूशन ऑफकोर्स ये एक और बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है जैसा कि ऑयल स्पिल वाला आपने देखा कि बीच में अभी एक बड़ा माल मालवाहू जहाज़ जो है वो हमारे इंडिया में आ रहा था और उसमें से जो ऑयल का स्टोरेज था वो लीकेज होने की वजह से पूरा पानी की लेयर समुंदर के ऊपर छा गई थी और अच्छी थिक लेयर थी चार सेंटीमीटर की लेयर ऑयल की क्योंकि ऑयल तो पानी पर तरंग है तो ऊपर के वजह से होने के वजह से जो वहाँ के जो उतने बड़े एरिया में के जो भी एनिमल्स हैं उनको तो फ्रेश एटमॉस्फेयर का हवा ऑक्सीजन पानी के कांटेक्ट में मिलना भी बंद हो गया और वो पानी के अंदर भी कुछ ऑयल के अंदर भी कुछ पॉइजनस चीज़ें होती है वो भी पानी के मिनरल के साथ में कुछ आ, अलग अलग एजेंट्स बना रही है केमिकल एजेंट्स बना रही है और फिर वो फिश और एक्विटिक लाइफ के लिए काफ़ी सारा डेंजर हो जाता है तो ये भी कई जगह पर हो रहा है ऐसा ऑयल स्पिल और इसी वजह से जो हमारा दूसरा जो फ्रेश वाटर की भी जो बायोडाइवर्सिटी है नदी के अंदर भी हम लोग कुछ पोल्यूटेंट हमारे छोड़ रहे हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट छोड़ रहे हैं तो वहाँ से भी नदी के अंदर भी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है तो जो पानी की ऑक्सीजन की लेवल है पानी में कि वो कम हो गई तो फ्रेश वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे जो जिस प्रकार की जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो फिशेज और उस प्रकार के जो भी स्पेसीज है वो सारे स्पेसीज को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है बायोमैग्निफिकेशन ऑफकोर्स यहाँ पर ये यह कुछ जगह पर किसी स्पेसिफिक एंटिटी को एकदम से बढ़ावा मिलता है जैसा मैंने आपको बताया कि यदि किसी पानी के अंदर तालाब के अंदर यदि न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ गई न्यूट्रिएंट्स का प्रमाण बढ़ गया तो वहाँ पे फिर फाइटो और इस प्रकार के पेड़ निकलना शुरू हो जाते और फिर वो इतने पैमाने पे निकलते कि वो पूरे लेक को कवर कर डालते और फिर लेक की पूरी डाइवर्सिटी चेंज हो जाती क्योंकि फिर फ्रेश पानी नहीं रहता वहाँ पर और फिर वहाँ पर स्टेटिफिकेशन होना शुरू हो जाता फिर टेम्परेचर भी बढ़ता और फिर ऐसे इसके अंदर फिर वो जो फाइटो है उनकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ है वो लाइफ के बाद में वो वहीं पर सड़ के ख़त्म हो जा रहे तो ऑर्गेनिक मैटर भी उनका ही बन रहा है जो हाई पोल्यूटेंट वाला है और इस प्रकार से भी कुछ बायोमैग्निफिकेशन होता है कहीं जगह पे या किसी अभी हमारे यहाँ पर भी हम लोग ये एक छोटा उदाहरण समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे बारिश गिरती है ना पहली बारिश पहली दो तीन बारिश गिरी कि आपको कई सारे वो फ्लाइज आ जाते हैं ना एकदम से hmm. एकदम से फ्लाइज आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं दिस इज़ बायोमैग्निफिकेशन उनको जो सूटेबल हैबिट और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और जो एटमोसफियर मिल रहा है उनको वो एकदम से मिल गया कि उनका फर्टिलाइजेशन का रेट ताबड़ तो बढ़ जाता है तो तुरंत वो छोटे छोटे उनका बायोसाइकिल बढ़ जाता है वो छोटे बड़े होते उनका पॉलिनेशन होता या उनकी फर्टिलिटी इतनी बढ़ जाती कि नए पीढ़ी को जन्म देते वो भी थोड़े थोड़े बड़े होते और वो एकदम से अपने को एटमोसफियर में दिखने लग जाते कई जगह पर तो ये बायोमैग्निफिकेशन भी कई जगह होता है स्पेसिफिक कंडीशन वहाँ पर होने की वजह से कई सारी ऐसी स्पेसीज है कि वो बिकॉज ऑफ द सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती उनको सुटेबल मिल गया एटमॉस्फियर की एकदम तो उसी प्रकार से आपने फ्लावर की भी स्पेसीज देखी होंगी तो पर्टिकुलरली हम लोग दसरा दिवाली में देखते कि झंडू के फूल ज़्यादा आते इसके पहले गणपति के टाइम पर वो राखी के फूल ज़्यादा आते तो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन कि इसकी पर्टिकुलर एरिया में उनको बराबर सुटेबल एटमॉस्फियर मिल गया कि तुरंत उसको फूल आना चालू हो जाएंगे तो एक फ्लावर की स्पेसी है वो उसको पर्टिकुलर एटमोस्फियर मिल रहा है तो कुछ जगह पे आपने मैंने देखा कि ऐसा जो पथरीले जगह है वहाँ पे कैक्टस के बड़े बड़े झाड़ है इतने बड़े बड़े हैं कि उसको वहाँ पे फूल भी लगे वाले कैक्टस को भी फूल लगता अब इतना ग्रोथ हो रही है उसके यानी उसकी जो फुल एज है वो वहाँ तक के जाके उसका फ्लावर का ये हो रहा है तो ये बायो मैग्निफिकेशन भी ऐसा भी कहीं जगह पर हो रहा है अब लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है कि दूसरी पर्टिकुलर स्पेसीज को धोखा निर्माण हो रहा है और कुछ स्पेसीज वहाँ पर खत्म हो रही है तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे देन प्लास्टिक एक्ुमिलेशन ऑफकोर्स ये भी हमारे लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी सब इशू बन चुका है कि हमारे समुद्र में कई सारे प्लास्टिक के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बन गए यानी समुंदर में इस प्रकार से प्लास्टिक किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जमा हो रहा है अपने आप से अंडर वाटर करंट्स जो है उसके साथ में वो बराबर उसी जगह पे बह के जा रहा है और वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है तो ये भी एक हमारा प्लास्टिक एक्यूमलेशन ये भी एक हमारे हैबिटेट के लिए धोखा है यहाँ पर इसके वजह से आपने देखा गया है कि कई सारे जो फूड आइटम्स है वो अधूरे फूड आइटम्स हम लोग छोड़ देते उसके वजह से वो प्लास्टिक के कांटेक्ट में वो एनिमल आता है और वो एनिमल फिर वो प्लास्टिक के साथ में आ, कुछ तो भी खाने की कोशिश करता उसको और उसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो कई ऐसे टार्टाइज देखे हैं कि जो टार्टाइज हमारी जो पानी की बॉटल है ना वो ढक्कन खोलने के बाद में उसकी एक छोटी रिंग रह जाती बाकी वो रिंग क्या है कि वो रिंग पानी के अंदर जाती और छोटा टॉर्टाइज का बच्चा वो रिंग उसके तैरते तैरते वो उसमें अंदर घुस जाता जो कि क्योंकि उसको तो मालूम रहता कि वो पानी के अंदर करंट आया ऐसा जो हम लोग टाइडल वेव्स बोलते हैं वो टाइडल वेव्स के वजह से वो रिंग दूसरे तरफ से भय के रही एकदम से पानी हिल गया और वो तैरते तैरते उसके घुस गए इसके अंदर और वो फिर उसको तो खुद को निकालते आता नहीं और वो वहाँ पर कहीं अटक गई और फिर जब वो बड़ा होता तो उसकी गला उतना ही रह जाता है रिंग के इतना और इधर से उसका मुँह बड़ा होता इधर तो ये एक प्रकार से थ्रेट बन जा रहा उसको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं फिशेस बर्ड्स जो है ना वो बर्ड्स को अभी यदि हमने देखा तो बर्ड्स को मरने के बाद में उसके अंदर आपको ऐसे कुछ बटन या प्लास्टिक के टुकड़े या ऐसी चीजें मिल रही है ये अपने पाउच के क्योंकि वो उसको उसमें से सेग्रीगेट करके नहीं खा पा रहा है तो वो उसको पूरा निकल लेता और निकलने के बाद में फिर वो प्लास्टिक वैसे रह जाता उसके पेट में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है कि वहाँ पर हमको ये सारे चीज़ें प्लास्टिक एकमेशन के वजह से हो रहा है ये नेचुरल ना, हैबिटेट में कई जगह पे हो रहा है अभी हमारे रेजिडेंशियल एरिया में हम लोग देखेंगे तो हम लोग हमारे घर में का जो बचा कुचा खाना है वो हम लोग प्लास्टिक की थैली में डालते सब्जी चावल जितना भी बचा होगा रोटी सब वो उस थैली में डाल देते और थैली में डाल के हम लोग फेंक देते क्योंकि हमारे घर में के बड़े महिला को वो ले जा के किसी जगह पे बाहर डालेंगे तो लोग अपने को नाम रखते कि अरे भाई आपने घर में का जो खराब जो फूड है वो आपने रस्ते पे क्यों डाला और आजकल आपको खाने वाले गैया और ये सारे एनिमल नहीं मिलेंगे हमारे सिटी में भी फिर नहीं मिलेंगे तो फिर क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसको फेंक के आ जाओ फिर फेंकने के लिए क्या लेके जाएंगे तो फेंकना है इसलिए फिर प्लास्टिक की पन्नी फेंक सकते हैं तो फिर प्लास्टिक के थैली में फूड को डाल देते हम लोग और फेंक देते और वो फेंकने की वजह से फिर वो वो उसको अच्छी गाड़ भी बांधते पक्की तो वो एनिमल को तो वहाँ पे उसको सुगंध आता है उसको सब खा सकता हो लेकिन वो फोड़ नहीं सकता उसको वो जैसे तैसे मुंह से कोशिश करता है और जब फू पूरा फूड नहीं खा पाता वो तो उसको फिर एक तरफ से खा के वो पूरा निगलना निगल सकता और ये जो गाय वगैरह जो है ये तो क्या है उनका वो कैसा है रवंथ करते बाद में तो वो रवंध करने के लिए क्या है वो पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चबा चुबा के निगल लेते और वो यहाँ पे अपने गले के बीच थैली में जमा करके रखते बाद में उसको निकल निकाल के फिर से फिर उसको बराबर चापते और फिर अंदर ले जाते तो उसके वजह से कई बार वो वैसे ही निकल लेते हो तो वो प्लास्टिक उनके इसमें डिपॉजिट हो रहा है तो एनिमल्स में भी ऐसी जगह कई जगह अब ये सिटी में यदि हो रहा है तो ये तो नेचर में जहाँ पे वाइल्ड किसका कोई कंट्रोल ही नहीं है वहाँ तो कैसे भी हो रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा है तो ये सारे पोल्यूशन के वजह से भी डाय बायोडाइवर्सिटी डायो को खतरा हो रहा है ऑफकोर्स नॉइस ये एक हमारा इन्विजिबल पोलूटेंट है जो हमको दिखता नहीं है लेकिन इसके वजह से आप अभी देख रहे हैं तो कई सारे शहर में आपको जो स्पैरो है चिमनियाँ नहीं दिखती दो कारण हैं उसके एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव जो है जो हमारे मोबाइल और हमारे इस प्रकार के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के वजह से बन रहा है तो उसके वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है और उससे भी बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है नॉइस का नॉइस लेवल इतनी बढ़ चुकी है कि वो नॉइस लेवल में वहां पर नहीं रह सकती तो वो एक इन्विजिबल पोल्यूटेंट है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो काम कर रहा है अपना तो कई ऐसे सारे एनिमल्स हैं कि जो पर्टिकुलर नॉइस लेवल के ऊपर वो सुन ही नहीं सकते या वो रह नहीं सकते तो अपने आप से वो डिमिनिश हो रहा है हो रहे कुछ प्रकार से तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर है फिर अलगल ब्लूम ये भी है अलगी जो है वो किसी पानी में विशिष्ट प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने की वजह से उनको काफ़ी सारी उनकी बढ़ोतरी हो जाती है तो फिर वो दूसरे स्पीसीज को डोमिनेट करता है फिर और उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है और हीट ऑफकोर्स ये तो ग्लोबल वार्मिंग का जो हमने बात किया वो हीट तो है ही कि पूरे ओ ऑल ओवर द अर्थ हम लोग सोच रहे हैं कि यदि हीट यदि बढ़ती है तो ये कारण है इसका कि हमारा जो कार्बन मोनाक्साइड और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पोल्यूशन हो रहा है हवा के अंदर उससे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण हवा में बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हमको रोकना है तो वो भी एक प्रकार का पोल्यूशन है कि और ये हीट जो है वो अन्य कारणों से भी आती है अभी बीच में हमारे जो अमेजन के जंगल है वहाँ पर आग लग गई थी तो वो बताया जाता है कि वो आर्टिफिशल आग थी वो लगी नहीं थी वो लगाई गई थी वहाँ पर क्योंकि वहाँ के ज़मीन के ऊपर वहाँ पर जो मिनरल्स है उसको एक्वायर करना है और वहाँ पर फॉरेस्ट है तो वो जमीन को वहाँ पर खोदकाम करके वहाँ से मिनरल्स एक्वायर नहीं कर पा रहे इसके वजह से गवर्नमेंट के ही किसी अथॉरिटी ने बराबर प्लानिंग करके वहाँ पे बड़े जंगल में आग लगा दी ताकि वहाँ से सब जानवर भाग जाए इंटरनेशनल लेवल पे कोई कुछ ना बोले कि भाई अरे ऐसा ऐसा हो गया करके और बाद में फिर गवर्नमेंट वहाँ पे धीरे धीरे वो बैरन लैंड के ऊपर एक्सकवेशन करके वहाँ से मिनरल्स भी निकाले तो आर्टिफिशियल भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो जलने के वजह से वो फिर कंट्रोल में थोड़ी रहती है एक बार आग लगा दी आपने तो कितना बड़ा बड़े पैमाने पर पोल्यूशन हो रहा है हीट बढ़ रही है तो ये सारे ऐसे रीजनस है कि जहाँ से हमारे बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा होता है तो ये ऐसे कुछ आप देखेंगे ये ऑयल स्पिल की वजह से अभी ये जो इस प्रकार के जो पानी में तैरने वाले जो है उनको पूरा प्रॉब्लम हो जाता है वो उनको फीस भी नहीं दिखती वो किसी को खा नहीं सकते ये कुछ हमारे डिपॉजिट्स है कि जो कचरा हमने समुद्र के किनारे पे या फिर वाटर बॉडीज़ के किनारे पे हमने डाला है तो उसके वजह से भी हमारा कुछ पोल्यूशन हो रहा है या आप देखेंगे कि सडन यहाँ पर ऐसी कुछ मरी हुई मछली आपको दिख रही है तो ये जब भर्ती आ रही है तो वो तैरते तैरते अपने आप के किनारे पर आके रुक जाती क्योंकि ये यहाँ पे पोल्यूटेंट है यहाँ पर देखो पानी ख़त्म हो गया अभी ये सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन सी, आ रही है तो इस वजह से भी कुछ स्पेसिफिक जो स्पेसीज़ है उनको खतरा हो सकता है और इसके वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी हैम्पर हो रही है अब इसके साथ में ये दूसरा एक और एक रीज़न है हमारा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने का जहाँ पे हम लोग एग्जॉक्टिक और इन्वैसिक स्पेसीज़ को हम लोग कभी कभी इम्पोर्ट करते हैं लाते हैं जैसा कि विदेशी या फिर आक्रामक वाली जो वनस्पति है अभी हमारे यहाँ पे भी हमारे भारत में भी कई जगह पे बायोडाइवर्सिटी खतरा हो चुका है क्योंकि रोड के किनारे अपन जो झाड़ लगा रहे हैं ना वो झाड़ ऐसे लगा रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कीड़ा भी नहीं बैठता उसका पत्ता भी कोई जो छोटी ये रहते नाकतोड़ा वगैरह या ऐसे वो भी नहीं खाता कोई क्योंकि वो विषारी झाड़ है लेकिन वो क्यों रखा कि भाई पेड़ लगाने के बाद में उसको मुझे कम वो तार का कंपाउंड या फिर उसके लिए प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा ट्री गार्ड लगाना पड़ेगा तो किसी बकरी गैया ने उसको खाने को नहीं होना तो पेड़ ही ऐसा लगाओ लेकिन मुझे सिर्फ ऑक्सीजन मिलना चाहिए पत्ते लगना चाहिए तो झाड़ होना मेरे को सिर्फ नेचर का संरक्षण करने के लिए तो ये गलत मानसिकता एक प्रकार से कि जो प्लांटेशन भी कर रहे हैं आप ये ऐसे विदेशी झाड़ों का प्लांटेशन हम लोग आज कई जगह पे मैंने देख चुका हूँ मैं तो कभी भी जाता हूँ तो मैं वो ग्राम पंचायत को पकड़ के बताता हूँ कि भाई ये झाड़ा लावले तो थोड़ा ये चाहे जी वड़ पिंपड़ कड़ू आंबा अम्बा चिंचा आवड़ा कवट ऐसे ऐसे लगाओ क्योंकि वो देखो ये ये हमको समझता क्योंकि दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फूड वेब दे आर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फूड वेब यदि आपने पेड़ लगा दिया है लेकिन वो नेचर को कहीं भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा ना उसका रूट कहीं काम में आ रहा ना उसका स्टेम काम में नहीं आ रहा ना उसके पत्ते काम में नहीं आ रहे उसके ऊपर कोई पॉलिनेशन नहीं हो रहा उसको फूल भी लग रहा है तो वहां पे मधुमक्खी भी नहीं जाती उसको खाने के लिए फिर पक्षी भी नहीं आता तो पॉलिनेशन भी कहाँ से होगा वो बायोडाइवर्सिटी बनी, बनी कैसे रहेंगी सिर्फ पेड़ हरा दिखेगा और ऑक्सीजन देंगे उससे काम नहीं होने वाला है तो ये ऐसी भी चीज़ है अब वो विषारी पेड़ का जो पेड़ है वो झाड़ है उसका स्टेम है उसको जलाए भी हमने तो भी वो भी पॉइजनस गैसेज छोड़ेगा हवा के अंदर भी तो हमको ये भी सारी चीज़ें छोड़ सोचना है तो इस हिसाब से कैसा है कि कहीं जगह पे प्लांटेशन कहीं ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पे हमने रिसर्च किया तो हमने आर एन में चेंज करके ऐसे पेड़ बनाए क्रॉप बनाए सॉरी प्लांट बनाए कि जो प्लांट हरे भरे रहते हैं बिना कम पानी के भी जिंदा रहते हैं उसको कोई प्रोटेक्शन जरूरत नहीं उसको कोई जानवर नहीं खाता है और उसके वजह से फिर वो प्लांटेशन हम लोग कर पाते तो ये एक प्रकार से इसको भी हमको थोड़ा सा बैलेंस स्टेट पे ले जाना चाहिए कि हमने ऐसे पेड़ लगाना कि नहीं लगाना करके तो ये एक कारण है यहाँ पर कि ये इस प्रकार की विदेशी जो प्रजातियाँ है विदेशी का मतलब है अभी हम लोग इंडिया की बात नहीं कर रहे तो कहीं भी हम लोग है कि जैसा यहाँ पर एक जो स्पेसी फर्टाइल हो रही है उसी को आप उठा के आपको मुझे भाई काला वाला गुलाब चाहिए तो मेरे यहाँ पर नहीं उगता काला गुलाब तो मैं वह दूसरे कई कंट वहाँ से लाऊंगा तो अपने आप ही उगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका एटमोसफियर और जो भी न्यूट्रेंट है और वो ऐसा नहीं मिल रहा तो वो नहीं बनेगा वो काला वहाँ पर क्यों है बिकॉज कि वो वहाँ के एटमोसफियर में सेट होके उसने खुद को सस्टेन किया इसलिए उसका जो कलर पिगमेंट्स है वो ख़त्म हो गए जो गुलाब का गुलाबी वाला कलर देने वाला पिगमेंट है वो, वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से उसके कंटिन्यूस सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने की वजह से खत्म हो गया तो वो गुलाबी नहीं है लेकिन वो उस हैबिटेट की कंडीशन है इसीलिए वो यहाँ पर भी जलेगा चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए हापूसाम्बा बोलने के बाद में अपन ऐसा बोलेंगे कि हापूस आंबा कहीं से भी लेकर आओ रत्नागिरी से या इधर से पेड़ लगाओ और कोई भी गांव में लगाओ और तो सब जगह हापूस हां्बा बनता था वैसा नहीं बनता दिस इज ए सेट एनवायरमेंट कंडीशन कि वो स्पेसी वहीं पे सस्टेन कर सकती है और उसको इधर लाएंगे तो वो हमारे लिए एक प्रकार से विदेशी हो गए वो यहाँ पर विदेशी हो गए तो इस प्रकार से विदेशी को हमको समझना है कि जो हैबिटाट के लिए सूटेबल है उस हैबिटाट में से उठा के उसको दूसरे हैबिटाट में डाल रहे तो दूसरे हैबिटाट के लिए वो विदेशी है एग्जॉटिक स्पेसीज है या फिर इस प्रकार से इन्वेजिव स्पेसिस है आक्रामक स्पेसिस भी है जैसा कि अपने यहाँ पे गाजर गवत आया तो गाजर गवत बराबर इसी प्रकार से आया कि भाई ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे यहाँ पे जो नेचुरल सेटअप है वो वो उनके यहाँ पे जो गाजर गवत है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में से अपने यहाँ पे पहली बार में आया और फिर वो कहाँ से आया कि जो गेहूँ हमने आयात किया था वो गेहूँ के अंदर आया और जो गेहूँ बोने के बाद में फिर वो खेत के किनारे निकला और फिर उसके छोटे फूल रहते हैं उसके अंदर बारीक बारीक ये रहते पॉलिनीशियन के पार्टिकल्स और वो हवा में से ही ऐसे बह जाते हैं और फिर कहीं जगह पे पानी गिर गया कि गाजर गवाद निकल जाता है बहुत सी जगह पे और अब तो हर जगह पे अपने को दिखने लग गया तो आया देखो विदेश से लेकिन उसको सूटेबल कंडीशन मिली इसके लिए ग्रो हो पाया वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रो नहीं होता था करके सेट सेट कंडीशन मिली इसलिए हुआ वो तो ऐसे आक्रमक भी है एक प्रकार से आक्रमक भी है वो तो वो सारी चीज़ें हमको सोचना चाहिए सो दीज आर द स्पेसीज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द आउटसाइड तो ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी खतरा है हार्म द ग्रोथ ऑफ द लोकल स्पेसीज ऑफकोर्स क्योंकि यदि उनकी संख्या बढ़ गई वो डोमिनेट स्टेट में आ गए तो वो दूसरे स्पेसीज को जीने नहीं देंगे बड़ा पेड़ यदि लग गया तो नीचे छोटे छोटे जो पेड़ है उसके लिए फिर कभी कभी छा हो जाती है और उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है पापर से तो वो नीचे भी ग्रो नहीं हो पाती तो ऐसी भी चीज़ है तो ये भी नहीं होना चाहिए या पानी के लिए जो रूट्स है यदि आपने खेती के अंदर भी हम लोग क्रॉप लगाते तो हम लोग अलग अलग पैटर्न में ऐसे क्रॉप लगाते हैं कि एक जो क्रॉप है उसका जो जड़ है वो थोड़ा नीचे जाता और दूसरा जो क्रॉप का पेड़ है वो जड़ है वो ऊपर ही रहता तो ज़मीन के दो लेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो बराबर आप क्रॉप ले सकते हैं आपने दोनों भी सरी के सरी के लेवर वाले लगाएंगे तो दोनों भी दोनों के जड़ एक में एक से न्यूट्रन के लिए झगड़ेंगे तो दोनों की भी ग्रोथ नहीं होंगी तो इस प्रकार से हमको ये आक्रामक स्पेशीज ये भी हमको थोड़ा सा सोचना है कि कौन सी स्पेसी किसके साथ में रह सकती है इसका हम लोग देख सकें नहीं तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है एंटायर पॉपुलेशन इज वाइप आउट खत्म हो सकती है पूरी स्पेसीज कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेस जो जड़ वाला एग्जाम्पल बताया हमने आपको कि पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए फिर दोनों में फिर वहाँ पर शुरू हो जाएगा और फिर जो ज्यादा सस्टेन करे बेगा वो स्पेसी बचेगी दूसरी स्पेशी खत्म हो जाएगी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ग्रास जैसा मैंने अभी बताया आप लोग गाजर गवत जो है इज द संजय गांधी नेशनल इन द संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पर यह प्रॉब्लम बन चुका है संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर देन समॉटिक स्पेसिस लाइक यूकेलेप्टिस uh, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया हमने अकेशिया एंड गिलार्डिया ये जो मैंने बताया ना आपको जो झाड़ के जो रस्ते से बाजू में जो पेड़ लग रहे हैं ना ये स्कीच है एकेशिया और गिलार्डिया वो पीले फूल लगते हैं उसको गिलार्डिया के एकदम फ्लावरिंग वाले फूल लगते हैं अपने को वो फूल के वजह से अच्छा दिखता है इसलिए लेकिन वो विदेशी झाड़ है हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट में वो सूटेबल नहीं है इसलिए मैं सिर्फ सूटेबल नहीं इसलिए बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट सपोर्टिव टू द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जो जैव विविधता है और जो हमारी हैबिटेट है उसको फ्लरिश करने वाला नहीं है वो हमारे लिए वो दूसरे देश में हो सकता है हमारे लिए नहीं है इसके वजह से वो हमारे लिए डेंजरस है तो ये सारा जो है हमारे अफॉरेस्टेशन का कारण बन रहा है जो जंगल ख़त्म हो रहे वो उसके वजह से खत्म हो रहे कि इस प्रकार से हम लोग जो पेड़ लगाना चाहिए वो नहीं लगा रहे दूसरे पेड़ लगा रहे हैं सो तो जो ग्रोथ नेचुरली होनी चाहिए पेड़ों की या बढ़ने चाहिए पेड़ उनकी संख्या बढ़नी चाहिए वो नहीं हो रहा है ना तो फिर उसके वजह से सारी चीज़ों को भी हम लोग हैम्पर कर रहे हैं तो ये सारे कुछ ऐसे है कि एग्जॉटिक और बाहर की विदेशी प्रजातियाँ लाने की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स ये हमको काफ़ी सारा अच्छे तरह से मालूम है कि ये भी बायोडावर्सिटी को हैम्पर करता है टेम्परेचर इंक्रीज इन द रिसेंट डेट सर्टन स्पेसिस बिगेन ब्रीडिंग एंड माइग्रेटिंग द अर्लियर दैन द एक्सपेक्टेड तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर के वजह से जो उनका लाइफ साइकिल है जो उनका एनवायरमेंट सेट कंडीशन है वो उनका बराबर नहीं हो पा रहा है कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं कि वो पर्टिकुलरली एटमोसफियर में रह सकते तो वो जो बर्ड का भी जो माइग्रेशन होता है दूसरे देश से हमारे यहाँ पे इंडिया में बर्ड आते हैं वो इसीलिए आते सिर्फ कि वो उनको जो सेट कंडीशन है जो टेम्परेचर है जो ठंडावा मिलना चाहिए और जो उनको खाने के लिए मछलियाँ चाहिए वो उनको कहीं दूसरे जगह पर नहीं मिल रही तो वो उसका ढूंढते ढूंढते दूसरे दूसरे सरोवर में आ रहे अलग अलग जगह पर आ रहे तो उनको तो ये सारी चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सडन क्लाइमेट बदलने की वजह से भी कई जगह पर हो रहा है सो अदर स्टडीज फाउंड दैट द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ द न्यूमरस न्यूमरसपेसीज हैड शिफ्टेड टू द पोलवर्ड्स और मूव टू ए हायर एलिवेशन ये हमने देखा गया है कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर पोलर पोलर की तरफ कम हो रहा है तो इसलिए उनका जो हैबिटेट है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर सरक रहा है इक्वेटोर के ऊपर या इक्वेटोर के नीचे क्योंकि वो थोड़ा लो टेम्परेचर में रहने के हिसाब से अपना धीरे धीरे हैबिटाट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी हमारा है देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नहीं हो पाए सो इंडिकेटिंग दैट द सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑकुपाइंग द एरियाज दैट वेयर प्रीवियसली टू कोल्ड फॉर सर्वाइवल तो ऐसे कुछ स्पेसीज फिर धीरे धीरे चेंज हो रहे कुछ एरिया में और डिक्लाइन इन द ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफकोर्स ये भी है कि जो जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पेसीज की वो स्पेशज की भी संख्या कम हो रही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज की वजह से और इसके वजह से फिर वो ग्रोथ जो, वो जो है वो जो स्पेसीज है वो स्पेसी कायम नहीं रह पा रही है सो ये भी एक प्रकार से खतरा है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए कि उनका हैबिटेट जो है वो चेंज हो रहा है देन कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग यानी य यहाँ पर कोरल जो है वो पर्टिकुलरली कैल्साइट मटेरियल का होता है और वो कैल्साइट मटेरियल के कैल्साइट का यदि ब्लीचिंग हो गया तो वो यानी ऐसा ठिसुड़ हो जाता है ढिसुड़ हो जाता है यानी पाउडर बन जाता है उसका वो ऐसा कड़क नहीं रह पाता है क्योंकि कोरल रिप्स तो उसके अंदर जैसे भी ये शेप बने वो वैसे ही कायम रहेंगे तो उसके अंदर हैबिटेट बनाएंगे अलग अलग स्पेसीज और यदि उस पर्टिकुलर केमिकल के वजह से यदि ये के अंदर का जो कैल्साइट है वो यदि स्ट्रॉग नहीं रह पा रहा तो फिर वो कोरल जो है वो खत्म हो जाता है कोरल रिप जो है वो खत्म हो जाती है सो इंक्रीज इन द देशर कॉजेज द ब्लीचिंग समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी कोरल रिप को धोखा है द ग्रेट बैरियर रिप अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस द ब्लीचिंग एंटर्स इन ये अलग अलग सालों में ये महसूस किया गया है समुद्र के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोरल रिप्स वहां की खत्म होना शुरू हो गई वाइल द मोस्ट एरियाज रिकवर्ड विद द रिलेटिवली लो लेवल ऑफ द कोरल डेप सम लोकेशन सफर्ड सीवरेज डैमेज विथ अप टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द मॉर्टेलिटी यानी कुछ कोरल रिप्स हमारी नब्बे परसेंट तक खत्म हो गई ब्लीचिंग बोले तो वो फिर वो उसमें का जो कैल्शियम का जो बॉन्ड है वो लूज हो जाता है तो फिर पाउडर बनना शुरू हो जाता है वहाँ का तो फिर वहाँ से वो हैबिडाट कायम नहीं रह पाता तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है तो ये भी हमारे लिए एक मरीन हमारी जो इकोसिस्टम है मरीन के अंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर हमको ये कोरल ब्लीचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है अब इस प्रकार से यदि हम लोग ये सारे इसकी कैटेगरीज यदि देखेंगे तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है पहले आई बोला जाता था उसको देर आर नाइन क्लियरली डिफाइंड कैटेगरीज इन टू विच द एवरी टैगजॉन इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज गिवन इन द रेड डाटा बुक अब ये जो ऐसी स्पेसीज है इसका कैटेगराइजेशन किया गया है कि ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो खत्म होने वाली प्रजातियाँ हैं उसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि जैसा कि एक्सटिंक स्पेसीज एक्स से डिनोट किया गया वो लिस्ट के अंदर ए टैक्न इज एन एक्सटिंक्ट वेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज टू द रीजनेबल रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट फिफ्टी ईयर पचास सालों के बाद में यानी पचास साल होने के बाद में यदि इंडियन चीता देखा नहीं गया तो फिर उसको एक्सटिंक स्पेसी में डाल दिया जाएगा कैटेगरी की लिस्ट रिवाइज होती है बार बार इसी प्रकार से फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जंगल के अंदर में की जो स्पेसीज है ए टेक्न इन द एक्सटिंकट इन द वाइल्ड

प्रजाति तो इस प्रकार से मेलबेरी सिल्क मॉथ जो है ये वाला जो कीड़ा है वो खत्म हो रहा है तो क्योंकि वो उसको एटमोसफियर नहीं मिल रहा है उसको जो जैसे चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है तो ये ऐसी कुछ कैटेगरीज है देन क्रिटिकली एंडेंजरस स्पेसिस सी करके डिनोट किया गया उसको दिस इंक्लूड द स्पेसिस विच आर फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड जंगल में उनको काफ़ी खतरा हो चुका है इनकी संख्या वैसे ही कम हो चुकी है और जल्दी ही तुरंत इमिजिएट फ्यूचर में ये ख़त्म हो सकती है द पॉपुलेशन ऑफ सच स्पेसिस इज़ वेरी लो एंड द थ्रेट टू इट्स हैबिटेट आर वेरी हाई जैसा कि एसेटिक लेवन लायन एसेटिक लेवन लायन भी अभी सिर्फ हमारे एशिया के अंदर कुछ जंगलों में ही बचा है लेकिन चूंकि हमने अभी पिछले 20 सालों से कई सारे ऐसे फॉरेस्ट कन्जर्वेशन की मीन्स और नेचुरल पार्क्स और ये सारे करना शुरू कर दिया है तो अभी हम लोग थोड़ा सा बचा पा रहे हैं लेकिन फिर भी हमको ये सारा देखना है कि वो थोड़ा सा भी कुछ हमने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर इंडेजनस स्पेसिस के अंदर वो जा सकते हैं उनका कैटेगराइजेशन चेंज हो सकता है फिर पर्टिकुलरली इंडेंजर्ड बोलेंगे सो इट इंक्लूड द स्पेसिस दैट आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन इफ द थ्रेश टू इट सर्वाइवल कंटिन्यूज ऑपरेटिंग अभी यदि हमने नहीं रोका तो जैसा हमारे यहाँ पर भी शेयर अभी ऐसा है इंडेजनस स्पेसिस में आ चुका है यदि हमने अभी फॉरेस्ट को नहीं बचाया जो अलग अलग कारण है उसको कम नहीं किया तो शेर यहाँ से पर्टिकुलरली हमारा जो मेड़घाट में का जो है जो है टाइगर पट्टे वाला बाघ वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके लिए जो हैबिटेट है वो हैबिटेट हम लोग उसको कायम नहीं रख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा काम करना है ऑल्सो द स्पेसीज नंबर्स हैव बीन रिड्यूस टू ए क्रिटिकल लेवल अब हर एक स्पेसीज के लिए ऐसा नंबर डिसाइड किया गया है कि इनकी संख्या यदि इससे नीचे चले गई तो ये स्पेसी खत्म हो सकती है क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से हमको पता है कि वहाँ पर अभी उनका आगे का ग्रोथ और उनका हैबिटेट कायम नहीं रह पाएगा सर के सो और हुज हैबिटेट हैव बीन सो डेस्टिकली रिड्यूस आर डीम्ड टू बी द इंटीबे डेंजर और एक्सटेंशन अब ऐसा ये टाइगर तो एक एग्जाम्पल है मैंने बताया पट्टे वाला भाग और ऐसे कई सारे बर्ड्स भी है कि उन बर्ड्स को अभी कैसा है कि जैसा कि अपने महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लिए यदि हम लोग बोलेंगे तो अ, का स्टेट का एनिमल हमारा क्या है शेखरू महाराष्ट्र स्टेट का तो वो उसको इसीलिए स्टेट एनिमल बनाया गया कि भाई वो महाराष्ट्र में जिंदा है और अभी वो उसको यदि प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसे भी कुछ स्पेसीज है कि जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा आ, देखना है कि अलग अलग ये कैटेगरीज वो रेड लिस्ट को हम लोग समझ सकते हैं वहाँ पे फिर वनरेबल कैटेगरीज़ है यहाँ पे इट इंक्लूड द स्पेसीज दैट आर नॉट एंडेंजर्ड बट आर लाइकली टू मूव इन टू द एंडजर कैटेगरीज तो फिर उससे थोड़ा आगे वाले की जो अभी खतरे में जा सकते हैं तो उनको भी हमको यहाँ पे ध्यान में देना है जैसा कि जायंट काम जो है ये एक एनिमल है कि जो अभी वनरेबल इसमें आ रहा है यानी अभी इनको खतरा है समझ लो कि आप ये आप आपको इसको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो इनका पॉपुलेशन ख़त्म हो सकता है फिर नियर टू थ्रेटन भी है कुछ एंटी कैटेगरी वाली भी है कि अब ये ये निकोबार पिजन बताया गया है कि जैसा ये अभी देखा नहीं जाता काफ़ी उतने एरिया में देखा जाता और अभी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो पहले नियर थिएटर के बाद में फिर वंद्रबल में आ जाएगा वो वंद्रबल के बाद में फिर वो एंडेंजर में आएगा फिर नहीं तो फिर क्रिटिकल इंडेंजर ऐसा करके उनका एक स्टेप बाय स्टेप फिर या फिर एक्सटेंड हो जाएंगे आखिरी में तो इस प्रकार से ये जो लिस्ट है ये अलग अलग कैटेगरीज हमको यहाँ पर हम लोग देख सकते और फिर कुछ एक कैटेगरी है रेयर तो देखने को ही नहीं मिलता कई सालों में एक आध बार कभी कभी उस एरिया में है करके उसको नोट नोट किया जाता है तो ऐसी भी कुछ स्पेसिज है वहाँ पे कि जो पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर वहाँ पर है उतने ही एरिया में वो देखने को मिलती और वो भी कभी कभी मिलती तो ऐसे कुछ हिमालयन रेफ्लेसिया अब ये सारे हमको थोड़ा सा इनके जो नाम है वो देखने पड़ेंगे कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर और नॉट uh, इवोल्यूटेड अब ये ऐसी कुछ स्पेसिज़ है कि जिसका अभी हमने पूरा इवोल्यूशन हमारे पास में डिसाइड नहीं है टैगजॉन इज नॉट इवोल्यूटेड वेन इट हैज़ नॉट एट बीन इवोल्यूटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया तो ऐसी भी कुछ स्पेसिज है कुछ नहीं कई सारी है कि जिनको हमने अभी वेल well आइडेंटिफाइड उसका हैबिटेट नहीं है उसकी पूरी पड़े स्टडी नहीं हुई है उसका माइग्रेशन कैसा हो रहा है वो हमने देखा नहीं है उसका पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है उसके लिए सेट हैबिटेट कौन से कौन से है कहाँ पर उसका वर्ल्ड मैपिंग में उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है तो ऐसे भी कुछ है अभी कि जो हमने अभी नॉट इवोल्यूशन है उसका क्योंकि स्पेसिस बन रही है जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनको भी नई नई स्पेसिस पता चल रही है तो वो लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है लेकिन फिर उसको नॉट एवोल में रखा जाता है बाद में धीरे धीरे फिर वो आगे आ रहे फिर लिस्ट कंसर्न वाली भी कुछ कैटेगरी है ए टैगजॉन एट लिस्ट कंसर्न वेन इट हैज़ बीन यूलोटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर द क्रिटिकली इन डेंजर वो यानी कोई भी जो कैटेगरी ऊपर की बताई उसके अंदर यदि नहीं आ रहा है तो लास्ट हम लोग उसको बोलते लिस्ट कंसर्न तो यानी इस स्पेशज के लिए अभी कुछ स्पेसिफिकली कुछ काम करने की जरूरत नहीं है तो ऐसी कम ही कैटेगरीज है यहाँ पर और डाटा डिफिशियंट है कि उनके बारे में कुछ डाटा नहीं है ए इज डाटा डिफिशियंट वेन देर इज इन एवकेट इंफॉर्मेशन टू मेक द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट तो अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे जो एनवामेंटलिस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर्स है कि ये किसी विषय में जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो हमारे जो वानखड़े सर थे वो एक्सपायर हो गए या अभी अतुल बोड़के सर जो उनके स्टूडेंट हैं वो सिर्फ़ वो मकड़ी के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे वो किस किसी लोगों को उसका यह रहती है कि भाई मैं यही देखूंगा करके तो हमारे निशिकांत काड़े सर करके वो, वो, ओल्ड कॉलेज के प्रिंसिपल थे बीच में तो वो बर्ड्स के ऊपर काम करते उनको बर्ड्स की जल्दी पहचान है कि ये बर्ड्स नया दिखा रहे ये ये स्पेसीज बहुत दिनों के बाद में मैंने ये बर्ड को देखा या इस एरिया में वो है करके तो ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो ऐसे अलग अलग स्पेसिस के लिए ऊपर काम करते और दे कलेक्ट द डाटा हमारे एक मुरतकर सर करके चिकलदरा के सिपना कॉलेज के अंदर है वो तो वो ग्रास के ऊपर काम करते तो ग्रास के अंदर भी जब वो पढ़ाई कर रहे तो उनको ग्रास में भी कुछ नई स्पेसीज वहाँ पर दिखती लेकिन फिर वो सिर्फ उसकी नोंद हो जाती लेकिन बाद में उसका डाटा कलेक्ट नहीं होता फिर तो ऐसे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी चल रही है तो कुछ ऐसी स्पेसिज है कि जिसका डाटा अभी भी बाकी है तो हम लोग धीरे धीरे उसको कर रहे हैं सो या स्पेसिस इन इंडिया हम लोग यदि बात करते हैं सो अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर देर इज फोर्टी क्रिटिकल इंडेंजियस स्पेसिज तो ये लिस्ट आपको थोड़ा सा देख लेना है ये सितंबर 2011 की लिस्ट है अभी तो मेरे ख्याल से रिवाइज भी हो चुकी होगी क्योंकि ये <coughs> 47 से कम ज़्यादा भी हो सकता है द नंबर ऑफ इंडेजनरस स्पेसीज इन इंडिया अकॉर्डिंग फॉर अराउंड एट पॉइंट ऑफ़ द वर्ल्ड्स मैमल्स जितने भी पूरे दुनिया में जो है वहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन 8.86 ऐसी स्पेशज है जो इंडिया में है और इंडेंजनस स्पीसीज के कैटेगरी में है द मैमल्स आर एक्सटेंडेड ओवर 186 एटी सिक्स जनर ये अब उसका कैटेगरी भी दिया है 45 फाइव फैमिलीज

8.86 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 45 फैमिलीज़ और 186 एटी सिक्स और 13 ऑर्डर्स उसमें से 87 सेवन स्पीसीज जो है वो हमारे यहाँ पर थ्रेटन करके है तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं आपने देखे होंगे कि ये अभी हमारे इंडिया में थ्रेटन है ये पर्टिकुलर टाइप के जो मंकी है ये एक जो पेड़ों पर पे रहने वाला स्लो चलने वाला जो पांडा टाइप का जो एनिमल है तो ये ऐसे कुछ डियर भी है हमारे लायन तो है ऑफकोर्स ये आसाम के अंदर पाया जाने वाला गेंडा है इस प्रकार के कुछ बर्ड्स भी है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इंडिजनस स्पेसीज़ हो रही है अपने इंडिया में इनका हैबिटेट है वहाँ पे और मरीन के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो फिश के अंदर भी हमारे कुछ कैटेगरीज़ है जो हमारे इंडियन मरीन कोस्टल एरिया में है, है वहाँ पर भी एक्सटेंड हो रही है फिर एलिफेंट भी हमने मालूम है हमको एलिफेंट भी है उसके बाद में क्रोकोडाइल ये भी स्पेशज है हमारी एक ये हमारी हिमालयन में मिलने वाली कैट कैट वाली कैटेगरी है शेर बिल्ली के जैसा छोटा वाला ये व्हाइट वाला शेर होता है वो उस टाइप का ये भी ए, एनिमल अभी एक्सटेंड हो रहा है कुछ ऐसे टार्टाइज भी है वो भी यहाँ पर हमको नहीं मिल रही है और ये इस प्रकार के जो छोटे एनिमल जो है वो भी हमारे कुछ खारूताई और वो हमारे ऐसे कुछ इस प्रकार के जो पेड़ों पे रहने वाले या जमीन पे रहने वाले ऐसे कुछ एनिमल है और कुछ ऐसे बर्ड्स भी है कि जो हमारे इंडिजन स्पीसीज में इंडिया में है ये कुछ फ्लावर्स भी है कि कभी कभी हमको देखने को मिलते हैं पर्टिकुलरली डीप जो फॉरेस्ट है यहाँ पर फिर हमारा जो हिमालयन रेंज है वहाँ पे हम लोगों को ये स्पेसीज कभी तो भी फ्लरिश होती है पर्टिकुलर एट अभी हमारे यहाँ पे भी देखा हमने पिछले दो साल पहले हमारे यहाँ पे बारिश नहीं थी पिछले तीन साल बारिश एकदम खराब होती अब ये दो साल में अच्छी हुई है तो वो पिछले तीन सालों में क्या हो रहा है कि वो जो डार्फ है तो रेनी सीजन में उनका सर्कल ही चालू नहीं हुआ नया फर्टिलिटी का रेट भी बना नहीं नए स्पेसीज भी बढ़े नहीं और फिर वो ख़त्म होते आ अगर अगले साल में और बारिश नहीं गिरी अगले साल में और बारिश नहीं गिरी तो ऐसा भी होता है निरंतर सूखा पड़ने की वजह से भी कुछ स्पेसीज जो है वो ख़त्म हो रही है या फिर ऐसा भी होता है कि वो जो सूखे में रहने वाली जो है वो फ्लरिश हो गई कि रेप्टाइल्स वगैरह जो ऐसे क्योंकि उनको भी डेड ऑर्गेनिज्म मिल गया खाने वाले के लिए जो दूसरी स्पेसिज ज़िंदा नहीं रह पाई वो मर जा रही तो उसको खा के जो रेप्टाइल्स है और इस प्रकार के जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो भी ग्रो हो सकते तो ये सारे ऐसे कुछ है कि ये फ्लावर्स भी है तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब एसिडिक चीता के बारे में हम लोग यदि बात करेंगे तो यहाँ पे एसिडिक चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं हमको जो हमको मालूम होना चाहिए ये सारी इंडिजनस पेसीज हमारे यहाँ पर है एक्सटेंड इन द इंडिया सिंस नाइनटीन इट लीव इन द ओपन सेमी एरिड ग्रास हमारे जैसा विदर्भ में जैसा मिल रहा है अपने को uh, <coughs> सावनाहा और स्क्रब और आइसोलेटेड लो हिलॉक्स एडमिस्ट प्लेन्स ये यहाँ पे यहाँ पे जो ग्रास लैंड पर्टिकुलरली है ना पीला वाला जो घास आता है पहले हरा होता है बाद में सूखा हो जाता है वो और वो सूखा सूखा घास ऐसा बढ़ता है उस घास में ही ये पर्टिकुलरली चीता टाइप का मिल रहा है फॉरेस्ट एनिमल ऑन द लैंड एंड कैन अचीव द टेरिफिक स्पीड ऑफ द वन वन फाइव टू वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर चीता की स्पीड uh, यहाँ पे जस्ट हम लोग को इसका फीचर्स देख रहे हैं हम लोग कि भाई ये सारी चीज़ें कैसी है ड्राइस uh, <coughs> पार्ट ऑफ द साउथन वेस्ट ये जो हमारा दक्षिण पश्चिम वाला इलाका है सेंट्रल एशिया टू द इंडिया ये ऐसे इलाके में यहाँ पर उसका औकरण हमको मिल रहा है आकर्ष इन द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया ऑल्सो कुछ स्पेसिस उसकी है जो अपने को मिल रही है वहाँ पर प्रेजेंटली एक्सटेंड इन द इंडिया नाउ फाउंड इन द यू एस एस आर विद द नॉर्थ ईस्ट ईरान एंड स्कैटर्ड सर्वाइवर अब ये जो चीता है ना ये ये टिपके वाला है ये धानवे तो को. अपने आप ही भी है अपने आप ही भी इंडिया में चीता है थोड़ा सा लेकिन वो अलग वाला है बोला वो उसके जो टिप्पे है गोल गोल वाले है. अब ये पॉइंटेड वाला है डॉटेड वाला है तो ये डॉटेड वाला जो है वो वाली स्पेस जो है एसेटिक चीता जिसको बोला है वो वो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सो मेन कॉज ऑफ़ दिस एक्सटेंशन ऑफ दिस मैग्निफिकेशन हमको ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रही तो चलेगा हमको ये कॉज मालूम होने चाहिए क्योंकि इसी से हमारा सारा आगे का काम होता है कैट वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटॉट ड्यू टू इंक्रीज इन द ह्यूमन हैबिटेशन एंड द ओवर ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक स्टॉक्स ये जो घास है उसको खाने वाले जो हमारे जो आ, म, मवेशी जो है हमारे जो हमारे गाय बैल और ऐसे जो है जो घास खाने के लिए जंगल में चर रहे और उसको लेके चरवाए जंगल में जा रहे हैं तो ह्यूमन का इंटरवेंशन जंगल में बढ़ रहा है और उसके वजह से फिर वो शेर उनको मार रहा है तो फिर वो भी शेर को मार रहे है। और इस प्रकार से दोनों का झगड़े में ये सारा नुकसान हो रहा है तो ये स्पेसिस जो है वो खतरे में पहुँच गई है एसेटिक चीता उसके बाद में फिर राइनोसारस ये भी है हमारा एक नहीं सॉरी ये हमारा डोमेस्टिक डक वाला एक कैटेगरी है इसका फोटोग्राफ नहीं आएगा यहाँ पे हाँ ये है तो ये एक, एक अलग प्रकार का बदक है ये भी हमको अभी एक्सटेंज स्पेसिस मिल रहा है यहाँ पर हम लोग इसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पे नोट कर सकते हैं वहाँ पे दिस बर्ड वॉज शाए एंड सेक्रेटिव एंड वॉज रेयरली सीन रेजिडेंट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिहार बंगाल आसाम मणिपुर ये जगह में यहाँ पर हमको ये मिल रहा है और ये महाराष्ट्र में भी है कुछ ए पी और तमिलनाडु में भी है कुछ जगह पर तो ये पर्टिकुलरली इसका जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है ना बिल वॉज रेडिश पिंक आय विथ रेड ऑरेंज एंड इट फील्स डार्क विथ रेड टीम आपने अभी नए इसमें भी कई बार देखा होगा कि हमको व्हाट्सएप पर भी ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो फोटोग्राफ्स आते हैं वहाँ पे तो ये पर्टिकुलरली ये सारे स्पेसिस ऐसी है कि वो कभी देखने को नहीं मिलते इसलिए उसका फोटोग्राफ हमको देखने के लिए अच्छा लगता और दूसरे के लिए शेयर करने को अच्छा लगता है क्योंकि वो सारा जो है वो नयापन उसके अंदर हमको मिलता है करके तो इट्स हैबिटेट वॉज टॉल ग्रास अब ये यहाँ पर ये सबसे रिमेंबर ध्यान में रखने वाली बात है हमको फ्लड प्लेन्स एंड स्मॉल लेक्स एंड पॉइंट्स तो अभी हमारे जो लेक्स एंड पॉइंट्स है इसके अंदर भी पूरे साल पार पानी नहीं देता तो फिर उसका तो हैबिटेट खत्म हो रहा है क्योंकि जब बारिश आ रही है पानी रहेगा पाँच छः महीने तक रहेगा अक्टूबर नवंबर के बाद में पानी ख़त्म हो गया कि फिर वो उसको वहाँ पे हैबिटेट के लिए सूटेबल जगह नहीं मिल रही है और वो ग्रास में भी रह रहा है तो वहाँ पर भी ग्रास जो है वो भी थोड़ा अच्छा रहा तो फिर वो वहाँ से जाके ग्रास के अंदर भी जाके अपना जो इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो उसको ढूंढ सकता है या उसको वहाँ पे अपना घोंसला बनाना है अंडे देना है तो वो भी हैबिटेट उसका अवेलेबल चाहिए और फ्लड प्लेन्स यानी यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो ये ये जो ग्रासलैंड लैंड वाला एरिया का है ये कैसा है थोड़ा सा ज़मीन दलदल वाली रहती वहाँ पे यानी पानी घुसने के वजह से वापस आने के वजह से वहाँ पे हमेशा गिला बना रहता और ग्रास भी बढ़ते रहते इंसेक्ट भी बढ़ते रहते वहाँ पे और वो पूरी तरह से पानी में भी नहीं रहता फिर इस प्रकार से जो स्पेसिस है तो ये सारी स्पेसीज जो है वो हमारी इंडेंज स्पेसिस में आ रही है इसके बाद में फिर यहाँ पर और एक है ये आपने थोड़ा सा देखा होगा ये क्रिटिकली इंडेंज स्पेसिस है यहाँ पर स्पलेंडर टर दैट ग्रोज इन द ओपन सेमी एवर ग्रीन फॉरेस्ट अमॉन्ग दूश देड़ों के ऊपर ऐसे कुछ वेल अपन जाना वेल वाली कई सारी प्रजातियाँ हैं मैं मेरे बचपन में कई सारे पेड़ों के ऊपर ऐसी बेल वाली देखता था मैं कई सारे पेड़ों के ऊपर अभी मैं देखता हूँ वो झाड़प में दिखती ही नहीं है क्योंकि उनके ऐसे कुछ नए टाइप के फूल जो है ना तो वो हम तोड़ते थे वो बेल से या वो लंबे लंबे जो आते ना तो उसको हमारे फ्रेंड्स को मारने के लिए भी हम निकाल देते खींच भाई चलो एक लगा तो इस प्रकार का जो बेल वर्गीय जो है वो क्या है ये दूसरे पे डिपेंड रहने वाली स्पेसीज है ना तो चूंकि वो जमीन से ही निकल रही वहाँ पर कैसा है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर सड़ गया और उसके अंदर में से किसी प्रकार का बीज होगा तो वो बीज बढ़ जाता है फिर और उसको फिर बढ़ने के लिए जो सनलाइट चाहिए उसको ढूंढते ढूंढते वो पेड़ों के लिपटते लिपटते ऊपर तक जाती है तो आपने ऐसे जंगल में कई सारे पेड़ देखे होंगे कि उसके ऊपर ऐसी बेल वाले जो क्रॉप है या जो अलग अलग प्रकार की ऐसी स्पेसिस है वो हमको देखने को मिलती है और पर्टिकुलरली इसको ये ऐसे अलग प्रकार के फूल लगते हैं इसलिए वो आइडेंटिफाइड हो गई नहीं तो ऐसे है काफ़ी सारे हमको पता भी नहीं है लेकिन तो वो सारी चीज़ें ऐसी है कि ये बायोडाइवर्सिटी को हमारे ख़त्म कर रही है उसके बाद में ये भी आपने देखा होगा थोड़ा सा ये एक डेजिला फ्रेरिया ये भी अलग प्रकार से फूल है तो ये भी हमको यहाँ एकदम से दिखने को देखने को मिलता नहीं है तो ऐसे कई सारे आपको ऐसे चीज़ें हैं कि जो आपको यहाँ पे अभी इसको सिर्फ कहीं कई जगह पे ऐसा है कि जू में बोलो या फिर किसी बॉटनिकल गार्डन में वगैरह इसको ऐसी स्पेशज को प्रोटेक्ट किया जाता है कई बार पर्टिकुलरली बॉटनिकल गार्डन के अंदर फिर टाइगर भी है पट्टे वाला भाग भी मैंने जैसे बताया कि अपने इधर जो इलाके में चंद्रपुर और ये हमारा मेढाट के इधर में पट्टे वाला जो बाघ है ये भी हमारा थोड़ा इंडिजन स्पीसीज में अभी चले गए इसके लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए उसके बाद में इंडिया में हमने देखा कि लायन जो भी कैटेगरी हमने दी गई इसके पहले तो ये गुजरात में है गीर जंगल में है कुछ वहाँ पे अभी लायन अभी भी है और कुछ इधर आसाम के उधर पार्ट में भी है हमारे लेकिन अभी उन वहाँ पर भी उनकी संख्या जो है वो जैसा चाहिए वैसी हमको नहीं मिल रही है फिर एलिफेंट भी है ये भी हमारे इंडिया में एक इंडिजनस फीसिज़ है एलिफेंट्स तो इसके लिए भी हमको थोड़ा सा अभी तो एलिफेंट के लिए काफ़ी सारा काम हो चुका है यानी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में और हमारा ये जो ओडिशा और इधर में कर्नाटका तमिलनाडु केरला यहाँ पर ऐसे कुछ स्टेट है कि वहाँ पर अच्छी तरह से अभी ये एलिफेंट को बचाने के लिए कई सारे एक्टिविटीज़ और फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई है ये एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है दिस वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके तहत ही फिर ये सारा प्रोटेक्शन हो पाया है अभी इसलिए हमको अभी हाथी दिखाई देते हैं नहीं तो पहले भी ये हाथी दात के लिए सिर्फ इंडिया में हाथी को ख़त्म किया गया जो राजा महाराजा है वहाँ से जो हाथी दांत से जो उनके जो आर्नामेंट्स वगैरह होते थे वहाँ से फिर वो अंग्रेज़ों को पता चला और फिर वो अंग्रेजों के जरिए वो पूरे वर्ल्ड में पहुँचा कि भाई ये हाथी दांत की जो सारी चीज़ें हैं ये मौल्यवान चीज़ें करके पॉपुलर हुई और फिर वहाँ से वो थोड़ा सा ख़त्म होने के लिए लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया और फिर उसके वजह से ये स्पेसिस जो है वो थ्रेटर्न स्पेसिस में हमारी चली गई फिर ये गधा भी है हमारा ये ये खूर वाला जो गधा है पर्टिकुलरली ये भी अभी ये जो है वाइल्ड uh, लाइफ जो है जंगली गधा जो है ये भी अभी तो uh, मैंने तो इतने में सुना भी नहीं यानी मैं मैं ही सोच रहा हूँ कम से कम तीस पैंतीस साल से मैंने इसके बारे में नहीं सुना पहले हम लोग सुनते थे कि भाई हमारे जो गाँव में दिखने वाला गधा है वो अलग और जंगल में दिखने वाला जो गधा है वो अलग क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है अभी इसके अंदर भी uh, कई सारे ऐसे आरएनडी भी हो चुके हैं वहाँ पे तो ये सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो पर्टिकुलर अपनी इंडिया में जो है वो थ्रेटन स्पेसिस में है ये हमारा जो मकाऊ मकाऊ है ना यस ये भी इंडिजन स्पेसिस बन चुका है हमारा ये विशिष्ट प्रकार का जो बंदर है हमारा ये अभी कन्याकुमारी और तमिलनाडु केरला यहाँ पर हमको कुछ मिलता है वहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन अभी इसके लिए भी हमको थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है अब ये सारी चीज़ें भी क्या हो जा रही है कि जो ये बंदर वाली जो प्रजातियाँ है ना इनके लिए तो पूरा सिर्फ फॉरेस्ट चाहिए और फॉरेस्ट के अंदर भी फूड चाहिए यानी फल वगैरह चाहिए वो फलों वाले पेड़ों की संख्या यदि कम हो गई तो फिर वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है पूरी पत्तियाँ खा के वो नहीं ज़िंदा रह सकते और फिर उसके वजह से उनके लिए जो फूड है पर्टिकुलर टाइप का वो उनको नहीं पानी तो मिलता जंगल में उनको पत्तियाँ भी मिल जाती है लेकिन उनको खाना जो है न्यूट्रियट वाला जो उनको चाहिए जो पर्टिकुलरली उनके जो फल है ऐसे कुछ उनमें कमी आने के वजह से फिर ये इनकी प्रजातियाँ जो है वो खत्म हो चुकी है तो ओके <coughs> okay, तो हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी रुक जाते हैं यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐसे कुछ इंडेजेंस पेसिज़ है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमको थोड़ा सा देखना है आप इसको अभी आपके लिए दो तीन चीज़ें हैं काम करने के लिए कि जो इंडेजेंस स्पेसिज है इंडिया के अंदर जो अभी हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफ देखे उसके तो उसके अंदर में जो इनके जो हैबिटाट है ना ये आप नोट्स पे से थोड़ा सा मार्क कर लो यहाँ पे मैंने हर स्टेट की जानकारी यहाँ पर दी है अपन ने यहाँ पर कि ये जो स्पेसीज़ है वो कहाँ पर मिल रही है करके तो यहाँ पर जैसा कि साउथ साउथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया तो ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया तो आपको अभी ये पता चलेगा कि आने वाला अभी जो बायो कंजर्वेशन हम लोग देख रहे हैं तो कंजर्वेशन में इनका जो निवास स्थान है वहाँ पे ही अभी फिर नेशनल पार्क या फिर सेंचूरीज बनाई गई है क्योंकि वो पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वहाँ पे उसको नेशनल पार्क या सेंचुरी में तब्दील कर दिया गया पर्टिकुलर एरिया को तो वो एरिया आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो हमारे अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारे जो एरियाज़ हैं ना तो आपको एक इंडिया का मैप थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर स्पेसीज़ के लिए सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए हैं क्योंकि वो वो एरिया उनके लिए हैबिटेट है और वो प्रोटेक्ट करना है वो स्पेशज को इसलिए उसको नेशनल पार्क बना दिया गया या फिर सेंचुरीज बना दिया गया तो वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है उसकी जो लिस्ट है वो भी हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हर इसके अंदर यहाँ पर अपने उसका जियोग्राफल एरिया दिया है जैसा कि यहाँ पर बिहार बंगाल आसाम मणिपुर ओडिशा तो ये वाले स्पेशीज के लिए फिर हमारे लिए कौन सा एरिया हमको वहाँ पर मिल रहा है फिर ये इसके लिए भी हमने देखा वेस्टर्न घाट हमारा जो पश्चिमी घाट है ये जो मैंने बोला रत्नागिरी से लेके पूरा अपना विदर्भ से लेके पूरा रत्नागिरी तक का ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया हमारा जो है वो उसकी जो पर्व श्रेणी है सातपुड़ा पर्व श्रेणी वहाँ पर के इस प्रकार के ये एरिया दिया गया है यहाँ पर इसके अंदर भी आ, इसका जोग्राफिक एरिया यहाँ पर दिया है यस yes, ये पुरंदर हिल्स पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र जुन्नर और पुरंदर हिल्स यहाँ पर भी ये स्पेसिस जो है ये पहले दिखती थी तो कई जगह पे ऐसे सारी चीज़ें अलग अलग एरिया से आ रही है यहाँ पर हिमालय और राजस्थान गुजरात पंजाब और ये हायर रिचेस ऑफ द हिमालय यहाँ पे कुछ जगह पे ये था पट्टे वाला बाग वो भी अभी नामशेष हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ये लोकेशन को जरा आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है तो अलग अलग मेथड्स और ये पार्ट हमको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन मेथड्स और इसके पहले मैंने आपको जो बताया कि जो थ्रेड्स है नेचुरल थ्रेड्स या मैन मेड थ्रेड्स जो है वो क्यों है कि जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वेरियस थ्रेड्स ये क्वेश्चन आप लिखी लो लगे इसको ये जो आपको है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस नेचुरल एंड मैनमेड मेड थ्रेड्स व्हाट आर नेचुरल एंड मैनमेड थ्रेड्स टू द बायोडाइवर्सिटी थ्रेड्स टू द बायो बस ये एक हम लोग अलग अलग इससे फिर आप लोग अभी ये जो हमने अलग अलग ये जो स्पेसिज देखी इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप उसके अंदर कि ये पर्टिकुलर रीजन के वजह से ये वाली स्पेसीज अभी वहाँ पर नहीं रही क्योंकि वो थ्रेड उस पर्टिकुलर एरिया में निर्माण हो गया और इसलिए वहाँ की जो स्पेसीज है वो ख़त्म हो गई तो ऐसे कई सारे हम लोग एक यहाँ पर एक चार्ट भी बना सकते हैं आप कि जो अलग अलग थ्रेड्स है ना वो थ्रेड्स के वजह से कौन सी स्पेसीज इंडिया के अंदर इनडेंजर हो गई तो एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो ये सभी के लिए रीज़न है सभी के लिए रीज़न है या फिर कुछ रीज़न है कि जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिस के लिए लागू हो रहा है तो जो पोल्यूशन जो है ये भी एक सभी के लिए है नॉइस वाला जो है ये भी सभी के लिए है तो इस प्रकार से हम लोग उसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे लेक्चर हियर थैंक यू सी यू टुमारो